आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर एक आयरन फार्म कैसे बना सकते हो। ये बनाने में बिल्कुल ही इजी होने वाला है, तो चलो बिना किसी देरी के करते वीडियो को स्टार्ट। अच्छा, तो समय पहले आपको 5x5 का एक गड्ढा कर लेना होगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। पूरी तरह गड्ढा करने के बाद आपको इस ब्लॉक को लेकर 7 ब्लॉक नीचे डिग करना होगा। रुको, अभी मैं कर दो और फिर आपको मिलता हूँ। आपको नीचे तक 7 ब्लॉक डिग करने के बाद कुछ ऐसा रूम सा बना लेना है, एंड देन उसके अंदर एक एक ब्लॉक इधर जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे एक्सटेंड कर लेना है, लाइक दिस मैंने जैसे किया है। आपको भी कुछ इसी तरह करना है, एंड देन जिस तरह मैं बेड लगा रहा हूँ आपने भी उसी तरह यहाँ पे बेड लगाना है। और हाँ, आपने इधर 22 बेड्स लगाने हैं। देन आपने हर एक बेड के ऊपर एक ब्लॉक लगा लेना है। आप कोई भी लगा सकते हो, आप स्टोन ब्रिक्स भी ले सकते हो, पर मैं यहाँ पे स्टोन का यूज़ कर रहा हूँ। बेड लगने के बाद आपने यहाँ पे 22 फ्लेचिंग टेबल को भी लगा लेना होगा। ऑलराइट, सभी चीज़ें होने के बाद आपने यहाँ पे ला लेने होंगे 22 विलेजर। पर याद रहे, यहाँ पे आपको एक ग्रीन वाले विलेजर नहीं लाने, गजब बेइज्जती है, और कोई भी बच्चे वाले विलेजर भी नहीं लाने। इससे आपका आयरन गोलम बिल्कुल भी स्पॉन नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको कोई भी जॉब नहीं मिलती। तो यहाँ पे मैं पहले 22 विलेजर्स को स्पॉन करता हूँ। हाँ, विलेज में से भी ला सकते हो। देन आपने विलेजर्स के सर के ऊपर ही ब्लॉक्स को लगा लेना होगा, और ऊपर आने के बाद आपने यहाँ से हर एक साइड से एक एक ब्लॉक को स्टैंड कर लेना होगा। ये देखो, इसको मैं स्टोन से अच्छे से कवर कर रहा था, तो तभी यहाँ पे एक आयरन गोलम स्पॉन हुआ है। तो अभी यार इसको मैं मार देता हूँ, नहीं तो ये बाद में हमें दिक्कत देगा। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। कैसा लगा मेरा मजाक? ओके, तो मैंने इसको मार दिया है। देन आपने क्या करना है, कोई भी साइड में है ना, एक एक ब्लॉक को रख देना होगा, लाइक दिस। एक यहाँ पे मैं रखता हूँ और एक यहाँ पे, और यहाँ पे आपने पानी डाल देना है। अबे यार, यहाँ पे नहीं डालना था, मजा नहीं आ रहा है, म्यूजिक ऑन कर। हाँ ठीक है, करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, और इधर से भी हमें वाटर को डालना होगा। और यहाँ पे देखो, जहाँ पे पानी आकर रुक रहा है वहाँ पे आपने 3 ब्लॉक को डिग करना है। एक यहाँ पे करना है और 2 आगे के साइड में करने हैं, लाइक दिस। एंड देन आपने यहाँ पे लगा लेने होंगे एक चेस्ट, और उसको फिर एक हॉपर की मदद से जोड़ लेना है। देन यहाँ पे आपने कोई भी ब्लॉक को रख कर यहाँ पे एक फेंस गेट रख लेना है, एंड देन उस वाले ब्लॉक को तोड़ देना होगा। देन आपने चेस्ट के ऊपर स्लैब्स को कुछ इस तरीके से रखना होगा। देन कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पे कुछ साइन बोर्ड रखने हैं, और इस डोर को आपने ओपन कर लेना है, और जहाँ पे मैं लावा डाल रहा हूँ प्रॉपर आपने वहीं पे लावा डालना है, नहीं तो फैल जाएगा और आपका वाटर पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड रुको यार, ये जल क्यों नहीं रहा? अच्छा है, गेट बंद है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। और अब ये जलने लगा है, और जैसे अब ये जलेगा तो इसका जितना भी सामान है वो सीधा जाने वाला है इस चेस्ट के अंदर। रुको, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे कितना सारा आयरन इकट्ठा हो चुका है, और ये जो 8 आयरन है ये पहले 2-3 आयरन गोलम और मरे थे उनका है। देन आपने यहाँ पे AFK खड़े हो जाना है, और आपका आयरन फार्म रेडी है। आपको काफी सारा आयरन ऐसे ही मिलता जाएगा, जैसे कि अभी और एक आयरन गोलम स्पॉन हुआ है। वेल, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई न्यू फार्म की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।